बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार यूपी में ऐसा हुआ है कि दोबारा से सरकार बनाई है, नहीं तो हमेशा का इतिहास ही रहा है कि 5 साल एक सरकार और फिर दूसरा। कितनी महिलाएं, इस वक्त सबका खाना बनाने का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, कहीं बिजी है, लेकिन आज हम सब लोग इतने खुश हैं कि अपने घर परिवार को सबको छोड़ के यहाँ पे लगे हुए हैं। और दोबारा कलयुग के अंदर भगवान राम का राज्य आ चुका है, सारे गुंडे सारे माफिया सब अंदर हैं और उनके ऊपर बिल्डोजर चलेगा। हे रामचंद्र गए गए सिया से, ऐसा सतयुग आएगा, योगी मोदी राज करेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम बहुत खुश हैं, मैं खुद अयोध्या से हूं तो मैं तो बहुत खुश हूं कि योगी जी जीते। जो योजना मोदी सरकार चाहे केंद्र में हो या भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार में है, ये सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर अमल हो रहा है, तभी तो जनता इतना वोट करके प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जिताई है, जहाँ से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें आती है। और ये जो है जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और एक और राज्य है, वहाँ के जनता की जीत है। 5 में से 4 राज्य हम जीते हैं। योगी जी के एरिया में प्रचार करके आए, वोट भी दे करके आए हैं, ये तुम्हें ले जा रही है। अगर गर्द में ले जाते जनता इतना प्रचंड बहुमत से जिताती। मेरा सवाल ये है, अफवाहों पर जनता ने कि आज जनता शिक्षित है, समझदार है, सब चीज समझ रही, उनको लाभ मिल रहा है, गरीबों जो झुग्गी झुग्गी में रहते उनको मकान मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाएं धुएं की वजह से परेशान होती थी उसमें खाना बनाते, आज उसे रसोई गैस सिलेंडर चूल्हा सब मिल गया। ऐसी कई योजनाएं हैं जो जमीन पर अमल में व्यवहारिक रूप से काम कर रही है और जनता को उसका लाभ सीधे रूप से मिल रहा है। क्या लगता है अब जिस तरह से ये प्रचंड जो बहुमत मिला है और विपक्ष फिर यही सवाल करेगा कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी हुई है? देखो ये तो उनका हमेशा हर चुनाव में रहता है, जीत गए तो कहते हैं हम अपने उससे जीत गए और हार गए तो कहते हैं ईवीएम, ये तो उनका हमेशा रहता है। वो हारने वाला हमेशा रास्ता निकालता रहता है निकलने का कि हमें कैसे निकलना है इस बचने, वो किसी न किसी पे बहाना मारेगा, ये हमेशा आदत रही है। केजरीवाल भी हमेशा जब जीतते हैं दिल्ली में तो कहते हैं कि ईवीएम का नहीं, मैं अपने से जीता हूं, और जब हार जाते तो वो कहते हैं कि मैं ईवीएम से हारा। अब पंजाब में तो नहीं कह रहे वो ईवीएम खराब है, पंजाब में भी बोलना चाहिए ना ईवीएम, ईवीएम तो वही है, इलेक्शन कमीशन तो वही है, ये उसके लिए अलग मैनेजमेंट कोई ना होता है, तो वो आप पंजाब में बोले ना ईवीएम खराब है, तो ये सब बोलते हैं, ये बचने का रास्ता है उनका और कोई कारण नहीं है इसका। जो जिस तरह से प्रचंड बहुमत आया है, जबकि बाबा को रोकने के लिए जो है तमाम जो है सारे देश की जो है विपक्षी पार्टियां जो है एक तरफ हो रखी थी और तमाम लांछन लगे कि बाबा कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया, धर्म की राजनीति हुई और कुछ नहीं हुआ, उनको तो जवाब आपने ही दे दिया, जनता ने जवाब दिया ना इतना बड़ा मैंडेट देकर। बाबा में वो ताकत है कि बाबा ने ऐसा नेतृत्व किया और उनके काम ने उनके व्यवहार ने जनता ने सुशासन को चुना है चारों तरफ, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। दुनिया कहने वाले कुछ भी कहे पर सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अंतिम चरण का जो मतदान हो रहा था तब तक अखिलेश यादव कह रहे थे हमारी सरकार बन रही, जैसे जो है एग्जिट पोल आए उसके बाद कहने लगे कि ये तो गड़बड़ी हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी पार्टी के लोग जो है हमारी वोटों को चोरी कर रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। हारने वाला कुछ तो कहेगा, उन्हें जनता ने पहले ही नकारा, उनके परिवार ने नकारा, उनकी भाभी ने नकारा, उनके पिता उनके लिए वोट नहीं मांग पाए, अपने परिवार में जिसके फूट हो वो दूसरे पे आरोप तो लगाएगा, आरोपों से कुछ नहीं होता, जनता सब जानती है, सब टाइम पे जवाब देती है। प्रधानमंत्री के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में, वो बताया गया कि अखिलेश यादव का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बताया कि ये सीएम के और मुख्य सचिव से जो है फोन जा रहे हैं डीएम के लिए स्लो रखना। देखिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये कहावत बहुत पुरानी है, हमारे पूर्वजों की है, आदिकाल से है ये। अखिलेश जी ने जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी जनता ने उनको नकार दिया, उनका कोई किसी तरह का वो नहीं चला, जो उन्होंने साथ में बाहुबलियों को लिया था, जितने भी तमंचेबाज थे, लठैत थे, उन सब का जनता ने नकार दिया है। और 8 की 8 सीट वाराणसी में तो आनी थी, वहाँ पर हमारे सांसद जी माननीय मनोज तिवारी जी ने सारा नेतृत्व किया वहाँ को जनता का, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, आप जो हम पहले लोनी जाते डरते थे दिल्ली से, गाजियाबाद डरते थे, लेकिन आज हम खुले जा सकते हैं, कोई रोड में रुकावट नहीं है, गड्ढे नहीं है, मोड़ साफ है, सुशासन है, महिलाओं की सुरक्षा है, आगे मोदी जी और योगी जी की जोड़ी सफल नेतृत्व करेगी और आगे बहुत भी अच्छा काम होगा। अखिलेश यादव 403 की बात करते थे, दावा कर रहे थे 403 सीट ले लेंगे हम और 130 में सिमट गए। देखिए चुनाव से पहले सभी दावा करते हैं,
राजभर जी भी दावा करे थे हम 400 से ऊपर जीतेंगे, उनको ये नहीं पता सीट कितनी है। कल भी उनका ये आज भी स्टेटमेंट था सुबह कि हम 400 से ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाओगे? 403 तो सीट है सारी। अगर आप 403 ही बोलते तो हम मान लेते हैं, 400 से बहुत ऊपर जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे उनको ये नहीं पता हमारे प्रदेश में सीट कितनी है, चुनाव कितनी सीटों पर हो रहा है। 400 प्लस बोलना तो पहले उनको आता नहीं, बस वही जातिवाद पर चुनाव लड़ते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। अब की बार जो बीजेपी छोड़ कर गया है जनता ने उनको नकार दिया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा उत्साह है और जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है और जो पूरा का पूरा विपक्ष जो है बाबा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में लामबंद हो गया था, जो है प्रचंड बहुमत किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो पूरी भारत की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ और बाबा जी का बुलडोजर सर्विस कराने गया था और यूपी के अंदर अब ना कोई गुंडा रहेगा ना कोई बदमाश रहेगा। अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, विशेषकर जो है बनारस में जहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कहते मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बराबर जो है फोन कर रहे हैं डीएम को, जितने भी डीएम ये सब रोते हुए कहते हैं ना कि जो हारता है वो रोता है, तो ये सब रोने वाले वो लोग हैं जो अनगल बातें करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। 403 का दावा कर रहे थे कि 403 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में आएगी, 130 देखो जी उनके सब झूठे पुलंदे थे, जितने भी विपक्ष आपने देखा होगा सारे इकट्ठे करे उन्होंने, जितने भी चोर गुंडे थे जो जेल में बंदे थे उनको भी टिकट दी, लेकिन जनता ने सिर्फ बाबा को अपनाया, काम को अपनाया, मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, योगी जी के नाम पर वोट दिया है। और मैं यूपी की जनता को बल्कि चारों प्रांतों की जनता को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मातृशक्ति में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है बाबा की? बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी है जब तो जीते हैं हम लोग, हमारी महिला मोर्चा ने सारा कुछ किया है, जब तो जीते हैं महिला, ज्यादातर महिलाओं ने सीट दी है, टिकट दी है उत्तर प्रदेश में। मैं खुद गई थी अलीगढ़ में, मैं खुद घूम के आई हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे कि मैं कृष्ण हूँ और इस तरह के तमाम दावे करते थे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी सोचते थे शायद भारतीय जनता पार्टी उनकी बैसाखी है, ये जनता ने बता दिया है कि ये नया भारत है, युवा भारत है, ये काम देखेगा, गुंडे बदमाशों की राजनीति खत्म होगी और देश में कानून का राज होगा। हर मन से यही कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है, अब इससे पहले कह रहे थे कि हमारे प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है, इनको अपनी डर का सता रहा है, हार की डर सता रही है, अब ईवीएम का नाम लेने लगते हैं। अरे जनता, 20 करोड़ जनता योगी को चाहती है, बाबा बिल्डोजर को चाह रही थी, यूपी के अंदर राम राज्य दोबारा आ गया, भगवान राम का जन्म हुआ जब भी राम राज्य था और दोबारा कलयुग के अंदर भगवान राम का राज्य आ चुका है और योगी हमारे भगवान राम की तरह ही इस देश के अंदर कलयुग के अंदर राम राज्य ला चुके हैं। सारे गुंडे, सारे माफिया सब अंदर हैं और उनके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, पहले भी चला था अब दोबारा चलेगा, यही डर सता रहा है इन गुंडों को, इन माफियाओं को, और सारा खत्म हो जाएगा, फिर से दोबारा यूपी के अंदर राम राज्य आएगा। श्री राम, कितने जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, योगी जी फिर दोबारा आए, फिर लाएंगे, तीसरी बार भी लाएंगे, योगी जी की लहर रहेगी। चारों से चारों प्रदेशों में जो है प्रचंड बहुमत आया, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से खुशी जाएगी? हम हद से ज्यादा खुश है, इतनी खुशी है कि हमारे पास लफ्ज नहीं है, इतने बस हद से ज्यादा खुशी है। भारत माता की जय। युवा है आप, युवा है, विपक्ष कहता था युवा परेशान है, बेरोजगार है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, तो क्या ये सच था? हमें सबसे पहले अपने देश का सम्मान चाहिए, जो मोदी जी ने कर दिखाया, सबसे पहले देश का सम्मान, बाकी सब बाद में। युवाओं को रोजगार की जरूरत है, लेकिन पहले देश का सम्मान, उसके बाद रोजगार। ईवीएम पे बात आती है फिर लास्ट में, तो जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार जो है ईवीएम का रोना रो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? विपक्ष के पास में और तो कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष सिर्फ ईवीएम का मुद्दा उठाता है और ईवीएम की जांच भी करा के देख ली, ईवीएम जो भी बाहर निकाली गई थी वो बोकस पाए गए थे, फिर भी ईवीएम का मुद्दा उठाता है, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा है नहीं। क्या लगता है शांत हो जाएगा? बाबा कह रहे थे कि अप्रैल मई में उत्तर प्रदेश को जो है शिमला बना दूंगा।
दिल्ली में भी यहाँ पे जैसे चारों राज्यों में हमारी भाजपा सरकार आ रही है बढ़ चढ़ के, पूरी भाजपा की लहर चल रही है इस टाइम। और दिल्ली में भी चाहे कल चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के यहाँ पे आएगी। पूरी MCD में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। योगी जी ने दोबारा हम फिर आएंगे, लोग कहते थे कि योगी जी नहीं आएंगे, योगी जी बढ़ चढ़ के आएंगे और आते रहेंगे। आप कितने खुश हैं? मातृशक्ति वाले बार बार यही टारगेट किया जाता है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं। नहीं, जब से योगी जी की सरकार है, आप 5 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल के देख लें आप, तो महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम फिर पुराने सत्ता में आए हैं। उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला आधी आबादी का नेतृत्व करती है पूरी धरती पे आज, तो महिला का बहुत बड़ा सहयोग रहा, तभी तो आज हम जीत के आए हैं। तो आप इसको कैसे मान सकते हैं कि महिला असुरक्षित है? महिला सुरक्षित है। प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही है उत्तर प्रदेश में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था उन्होंने, तो क्यों ये दशा क्यों रही है, अब तक क्यों नहीं छीटा कांग्रेस? इसकी स्थिति आपने देखी है, वो कि कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके लिए शायद शब्द ही नहीं कुछ बने कि जो आज की दुर्दशा हुई है वो आपने खुद देखी है। निश्चित तौर पर पूरे प्रांत ने, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, सिरे से नकार दिया। आज कहीं है तो भाजपा ही है, भाजपा ही है, भाजपा ही है। हमारा कांग्रेस मुक्त भारत, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। किस तरह से देख रही है? देखिए, प्रधानमंत्री की जितनी भी लोक कल्याण और जन कल्याण की नीतियां हैं, जो पिछले 7 वर्ष के कार्यकाल में निरंतर अंत्योदय की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री देश भर में लेके आए हैं, समस्त भारत ने उसकी संतुति करी है, उसकी सराहना करी है और उसी के फेवर में ये वोट डला है। इसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री आगे आने वाले समय में देश को विश्व गुरु बनाएंगे। योगी जी का काफी विरोध हो रहा था, योगी जी के लिए बाबा को देखकर के पूरा का पूरा देश का विपक्ष लामबंद हो गया था, तो इतना बड़ी अप्रत्याशित जो है बहुमत मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, मुझे को तो वो शब्द याद है कि कहा गया था जब हम आएंगे योगी जी मठ चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे, और आज ये साबित कर दिया। एक चुपाई याद आ रही है मेरे को, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा सतयुग आएगा योगी मोदी राज करेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। ये हर मंच से जो है विपक्ष बोलता है कि उत्तर प्रदेश में जो है महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है बाबा इतने प्रचंड बहुमत से आ गए? बाबा ने जो 5 साल में महिलाओं को सुरक्षा दिया, वो महिला पूरा निकली अपना वोट किया, महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा बाबा ने ही दिया 5 साल में, और आगे भी वो देते रहेंगे। मातृशक्ति कितना खुश है, कितना खुशी जाहिर करते हैं आप, इतना प्रचंड बहुमत है, जबकि हर मंच से जो है विपक्ष यही कहता था कि उत्तर प्रदेश में जो है शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे, मातृशक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं है, इस बात का अंदाजा आपको यहाँ पे आई हुई मातृशक्ति से हो रहा होगा। कितनी महिलाएं, इस वक्त सबका खाना बनाने का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, कहीं बिजी है, लेकिन आज हम सब लोग इतने खुश हैं कि अपने घर परिवार को सबको छोड़ के यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी जिंदाबाद। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है आज यूपी में फिर से हमारी। आपका कितना? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार यूपी में ऐसा हुआ है कि दोबारा से सरकार बनाई है, नहीं तो हमेशा का इतिहास ही रहा है कि 5 साल एक सरकार और फिर दूसरा, तो ये योगी जी का और मोदी जी का कमाल है जो ऐसा ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ है। प्रियंका गांधी भी काफी सक्रिय रही है, क्यों नहीं अपना जनाधार बना पाई वहाँ पर, जो कि महिलाएं हैं, महिलाओं का दर्द जानती है, हर मन से ये बोला कि बोलती थी कि मैं महिला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। देखिए, जनता सब जानती है, उसको सब दिखता है कौन क्या कार्य कर रहा है, तो ये जनता का ही फैसला है, हम बहुत खुश हैं। प्रियंका गांधी जी का कोई डिसीजन ही नहीं होता, उनसे बात करो कि आप किस कैंडिडेट को खड़ा करती है, कभी कहती है मैं खुद खड़ी हो रही हूँ, आपको क्या लग रहा है कोई और खड़ा हो रहा है क्या, मतलब अजीब अजीब से बातें करती है। अरे, तुम एक नेता हो, यू शुड बी फॉर्म, यू शुड बी डिटरमाइंड एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि कौन तुम्हारी पार्टी से आ रहा है, बट शी इज टोटली कंफ्यूज आई थिंक। मायावती ने भी काफी शासन दिया है, तो मायावती महिलाओं ने एक्चुअली जो जनता है उसने ये देखा कि कार्य जो है एक सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा एक जो यूपी का था, और जो माहौल जो बदला है, और अपनी संस्कृति की तरफ चल के जो राम मंदिर का और ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक जो कार्य किए हैं वो योगी जी जैसा एक बुलंद नेता ही कर सकता है, तो इसीलिए शायद जनता सब जानती है। मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, वो यूपी का है, बोलते हैं मैडम कुछ साल पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, हर एक के घर में वो बंदूकों के गट्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं कट्टा, हर एक के घर में कट्टा होता था कि कोई भी कहीं पे भी हो मार सकता है, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे इतना डिसिप्लिन है,
इतना डिसिप्लिन आ गया और ये कमाल करके दिखाया है हमारे योगी जी ने। मैं धन्यवाद करती हूँ योगी जी का और बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत अंदर से खुशी है और गर्व महसूस करती हूँ कि मैं ऐसी पार्टी से जीती हुई हूँ जो हमारे देश का बहुत आगे लेके जाएंगे। ब्रह्म बना हुआ होता है जो जो नोएडा में बार बार आता है वो दोबारा मुख्यमंत्री ने बताया बाबा ने ये ब्रह्म तोड़ दिया, क्या लेते हैं आप? देखिए जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ऐतिहासिक ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है योगी जी ने, तो सारे जो एक यूपी की जो नक्शा बदला है, जो सभी जो जहाँ वहाँ जो रहने वाले उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि किस प्रकार अपने, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जनता के लिए, और 7 बजे के बाद जो कि यूपी जैसी जगह में कोई बाहर नहीं निकलता था और एक अलग माहौल था, अब एक राम राज्य जैसा कुछ वहाँ पर स्थापित, अब मथुरा के लिए भी जो कार्य कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को वापस जड़ों से जो हम जुड़े हैं उनको याद दिला रहे हैं योगी जी, तो शायद जनता ये देखकर बहुत खुश है। बहुत अच्छी जीत है, बहुत अच्छी जीत है। जो जनता चेंज चाहती है आज उसको समर्थन देना पड़ेगा और ये बहुत ऐतिहासिक जीत है जो हम सबको माननी चाहिए, इस हिसाब से जिंदाबाद। ईवीएम का रोना रोएंगे, ये आप क्या कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी क्या? अखिलेश यादव जैसे कि जो एग्जिट पोल आने के बाद बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आप तो बहुत बड़ी हार होगी। जब भारतीय जनता पार्टी से लोग ये हार जाते हैं, जैसे साइकिल होगी बहुजन समाजवादी, फिर उसके बाद यही रोना रोते हैं कि ईवीएम, अब जब केजरीवाल पंजाब में जीता जब ईवीएम ठीक थी, मतलब जहाँ से ये दूसरी पार्टियाँ हार जाएं वहाँ ईवीएम जो ख़राब हो जाती हैं, ईवीएम की गड़बड़ जो लोग, जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो विकास का काम किया वहाँ पर, जो हमारी महिलाएं मातृशक्ति जो आज सेफ हैं, रात को 2 बजे 3 बजे जब मर्जी जहाँ भी मर्जी जा सकती हैं, और शौचालय जो दिए हैं, ये सोच एक बहुत बड़े महान व्यक्ति की हो सकती है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सोच थी, जो आज लेडीज़ हमारी जिस टाइम मर्जी अपना जहाँ मर्जी जाके निवृत्त हो सकती हैं, घर घर जा घर घर में उन्होंने सोच दिए हैं, और कोरोना काल में इतना खाना बांटा है, शायद ही कोई और सरकार होती तो शायद फेलियर हो जाती, ये मोदी जी का जो है कारनामा है और मोदी जी की ये जीत है। धन्यवाद।